मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इन लेखपालों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुआ है। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले नियुक्ति के लिए पैसे वसूली होती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाते थे। आज युवा ऊर्जा की योग्यता के बल पर ही उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी। क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उस पर रुचि भी नहीं लेते थे। आपने देखा होगा अध्याचन गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद लोग कुछ लोग न्यायालय में गए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छे कार्य में रोड़ा तो अटकाना ही अटकाना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत करके आए और अब इन सभी युवाओं को ये नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।